मरगल बढ़ रही है राम नौ सुबह हमने पंदे को नहीं भाई उम्र से रोला कोई क्लियात लग रहे हैं मेरे बड़ों खाते लग रहे हैं किधर भी जमाई कर ज्यादा राजनीति ना करो मन से किसानों की बात यहाँ पर उपस्थित ये साथी भाई अरे एक महिला होना भी देख रहे हो जगह गई यहाँ उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहने मेरे सभी किसान भाइयों साथियों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं आपको विश्वास दिलाने आपको आश्वासन दिलाने कि कांग्रेस पार्टी इस देश के प्रदेश के किसान के साथ खड़ी है हमारे देश की हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान और मजदूर है अगर किसान और मजदूर कमजोर होगा तो हमारा प्रदेश और देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सत्ता में आपने देखा कि एक के बाद एक इनके ऐसे फैसले रहे जो हमारे देश को हमारे कमजोर वर्ग को हमारे किसान को मजदूर को कमजोर करता गया आज हम ऐसी स्थिति पर खड़े हैं देश में प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि ये हमारा अन्नदाता ये हमारा किसान मजदूर ये मेरी माताएं बहनें जो कि दिन रात मेहनत करते हैं आज ये मजबूर हो गए कि इस तरह से सड़क पर आकर बैठ ऐसी कड़कती ठंड बच्चे बुजुर्ग जगह जगह पर चाहे दिल्ली के आसपास हो और चाहे ऐसे जगह अलग अलग जगहों पर आज मजबूरन हमारा किसान और मजदूर यहाँ पर बैठा है साथियों कई बार मीडिया में अलग अलग तरह की कहानियां आ जाती हैं दिखाई जाती अगर कोई किसान मजदूर अपना घर बार छोड़कर बैठा है तो वो कोई मजे लेने के लिए नहीं बैठा दो दिन कोई घर से बाहर जाके दिखा दे एक दिन के काम के लिए भी जाते हैं तो सोचते हैं शाम को वापस घर आके सो जाओ भाई अपनी घाट पे सो जाओ लेकिन इतने दिन से जो आंदोलन चल रहा इसमें स्थिति पूरी स्पष्ट होनी चाहिए ये आंदोलन एक जन आंदोलन किसान मजदूर का आंदोलन है ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी लेकिन साथियों ये लोगों का अपना जन आंदोलन और कांग्रेस पार्टी बतौर राजनीतिक पार्टी होने के अपनी जिम्मेवारी जानती है पहचानती है हमारा नेतृत्व राहुल गांधी जी ने शुरू से ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि हम इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे कल भी आपने देखा राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से सारी बात समझाई कि अगर ये तीन काले कानून आ गए अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन के लिए उस पर रोक लगाई लेकिन जब ये काले कानून अगर ये लागू करेगी सरकार तो साथियों केवल किसान और मजदूर नहीं ये पूरा देश हमारी सारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी तहस नहस हो जाएगी कुछ अमीर लोग इनके साथी हैं जो पुराने
प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के, फायदा केवल उनको मिलेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, सारा कुछ उनके हाथ हो जाएगा। तो मुझे एक बात बता दो कि क्या एक गरीब किसान, क्या एक गरीब किसान में क्षमता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़े? किसी में नहीं होती। कहने को कह दिया कि एसडीएम के पास चले जाओ, डीसी के पास चले जाओ। साथियों, कोई दफ्तर में घुसने देता है क्या? छोटे से काम के लिए सरकारी दफ्तर के कितने कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। और ये तो आपके हक की बात है, कौन लड़ाई लड़ पाएगा, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा? और बड़ी कंपनियां आपस में जब मिल जाएंगी तो दाम वो तय करेंगे, आप तय नहीं कर सकते। एक आध साल दिखाने के लिए शायद कर दें, लेकिन बाद में इकट्ठे हो जाएंगे, ना ताने उठेंगे, जो वो कहेंगे वो होगा। और उसके बाद जो हमारी राशन की दुकानों से गरीब आदमियों को जो राशन मिलता है, और जिसके लिए हमने कानून पास किया था, खाद्य सुरक्षा कानून, ये सारा कुछ ठप हो जाएगा, ना गरीब आदमी को राशन मिल पाएगा। आपने देखा, इन्होंने गैस की बात की थी कि हम देंगे गृहिणियों को, बड़ा खुश किया था बहनों को। अब मुझे बता दो कितनों के पास आ रही है सब्सिडी? आहिस्ता आहिस्ता जो रास्ते से सब कुछ खत्म। ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, कहना कुछ है करना कुछ और। साथियों, हम आपके साथ खड़े हैं, ये लड़ाई आपके अकेले की नहीं है। मैं ये जरूर कहती हूँ कि हमारी राजनीतिक लड़ाई है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने ट्रैक्टर रैलियां निकाली, जगह जगह पर धरने प्रदर्शन किए, हर तरह से आपका साथ दिया है और देते रहेंगे। निजी रूप से आप बता दो, हम सभी लोग इसी धरती के पैदा हुए, ये धरती, ये पृथ्वी, ये खेत खलिहान यहां से उठकर सब गए। अगर जो अपनी माता को भूल जाता है, साथियों, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी आज के दिन ये अपराध कर रही है। ये धरती माता कभी इनको माफ नहीं करेगी। गरीब की आवाज भगवान की आवाज होती, और अगर हमारा किसान मजदूर दुखी होगा, मेरी ये माताएं बहनें दुखी होंगी, तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों के दिन भी लग जाएंगे। आगे ये आप लोगों के बीच में आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, किस मुंह से आएंगे? कहा क्या था और किया क्या? और फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस किसान को बरगला रही। हर एक इंसान, हमारा किसान मजदूर, ये जानता है कि उसका नफा नुकसान कैसे। कांग्रेस पार्टी के समय में भी किसानों की मांग होती थी, हम आपस में बैठकर बातचीत किया करते थे, कुछ मांगे मंजूर होती हैं, किसी के बारे में बातचीत आगे बढ़ती। लेकिन साथियों, जो इस सरकार का सख्त रवैया है, हर बार किसान को बुलाते हैं, और किसानों को मैं तो सलाम करती हूँ हमारे किसानों को, कि हर बार वो फिर भी जाते हो कि इस सरकार के साथ बात करने के लिए। इतनी हिम्मत, इतना धैर्य हमारे किसान मजदूर में। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार, इनका इतना अहंकार आसमान को छू रहा, और ये कहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। साथियों, एक लोकतंत्र में झुकना क्या होता है? इतना अहंकार नहीं रखना चाहिए। लोगों की मर्जी चलती है, लोग जो कहते हैं वो सरकारों को मानना चाहिए, बातचीत होती। लेकिन ये कहना कि हम झुकेंगे नहीं, ये तो अहंकार ही है। साथी, आने वाला समय बताएगा। हम सब, मैं आज आप लोगों के बीच फिर कहती हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है,
हम किसान के साथ हैं। राहुल गांधी जी ने ऐलान किया या तो ये सरकार ये तीनों काले कानून वापस करे, वरना हमारी सरकार जब आएगी, हमारी सरकार जब आएगी, हम ये तीनों काले कानून निरस्त करेंगे साथ। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरे साथियों से भी मैं यही कहूंगी, मेरे साथियों से भी मैं यही कहूंगी कि सभी जो जाति रूप से हम सभी किसान हैं, सबसे पहले किसान है, उसके बाद जो भी हमारी राजनीति है, पद है, जो भी है, वो सब बात की बात होती। तो सभी लोग किसान आंदोलन में किसानों का साथ दें, कांग्रेस पार्टी आपका साथ देगी, हम सभी लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इन्होंने समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से